हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं पंकज राठौर आप सभी का बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं राजनीति विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर। जो पेपर आ चुका है उसके आंसर है सारे, और सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर है जो कल पेपर में आएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या आएगा आपकी एग्जाम में, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? क्या आएगा दोस्तों पहला प्रश्न, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। क्या हो जाएगा? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। अगला प्रश्न आएगा दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न में कि यूएसएसआर के विघटन से विश्व की राजनीति क्या हो गई है? एक ध्रुवी। क्या हो गई दोस्तों? एक ध्रुवी राजनीति हो गई है विश्व की। एक ध्रुवी आपको सिलेक्ट करना है एग्जाम में। अगला जो प्रश्न आएगा वो है भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर आप सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950, जिस दिन से गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया है, 26 जनवरी 1950 से अपना संविधान लागू हुआ है। अगला प्रश्न जो आएगा वो है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरशाही का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रशासन स्थायी सेवकों द्वारा होता है। नौकरशाही का अर्थ होता है प्रशासन स्थायी सेवकों द्वारा होता है। उसके बाद जो छठा और आखिरी बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसका उत्तर हो जाएगा वो प्रश्न है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री राज गोपालाचारी यानी कि राजा जी, जिनका नाम था, उपनाम बोलते हैं जिसको, राजा जी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? पहला प्रश्न है, विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना में हुई थी, कब हुई थी? यानी कि 1881 इसका उत्तर होगा, 1881। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसियान संगठन में भारत को क्या दर्जा प्राप्त है? तो सदस्य देश का दर्जा प्राप्त है भारत को आसियान संगठन में। क्या दर्जा प्राप्त है? एक सदस्य देश का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। उसके बाद जो अगला रिक्त स्थान मिलेगा वो होगा, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी, यानी कि देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो उस समय 565 देशी रियासतों की संख्या थी। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हेमेमनी शब्द की जड़े में है, हेमेमनी शब्द की जड़े है में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राचीन यूनान। क्या हो जाएगा? प्राचीन यूनान में है। उसके बाद जो अगला रिक्त स्थान आपसे पूछा जाएगा, पांचवा रिक्त स्थान, वो है शिमला समझौता में हुआ था, यानी कि 2 जुलाई 1972 इसमें आपको लिखना है, कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में हुआ था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसको आप सब जानते हैं, गठबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन। अगले प्रश्न जो है दोस्तों वो है, सत्य असत्य चुनिए। 6 प्रश्न उसमें दिए गए हैं। जो पहला दिया है, यूरोपीय संघ की मुद्रा को येन कहा जाता है, ये असत्य क्वेश्चन है, क्योंकि जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है दोस्तों वो यूरो है, ना कि येन है। क्या है दोस्तों? यूरो है। अगला जो प्रश्न है वो है, सन 1917 में रूस में बोल्शेविक की क्रांति हुई थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा जो है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो देखते हैं अपन, इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इराकी युद्ध को इराकी युद्ध के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए ये असत्य प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको अपन देखते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना सन 2002 में हुई थी,
ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी, ना कि 2002 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है नाटो का पूरा नाम बारसा संधि है। ये बात भी गलत है, नाटो का पूरा नाम बारसा संधि नहीं है। उसके बाद लास्ट का जो सत्य असत्य का प्रश्न है वो देखते हैं अपन। चौथा आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये बात भी गलत है दोस्तों, क्योंकि जो चौथा आम चुनाव हुआ था वो 1967 में हुआ था भारत में। कब हुआ था? 1967 में। इसलिए सत्य असत्य में पहला असत्य है, दूसरा सत्य है और बाकी सभी असत्य है। उसके बाद अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो उसका जो पहला प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। उसका पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेग। कहाँ पर स्थित है? हेग में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है भारत भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से कब जुड़ा, तो उसका उत्तर हो जाएगा 1991। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित हुआ, तो उसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन है इसका? आंध्र प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों अपने सामने वो ये है कि भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसमें आप कोई से भी दो देश का नाम लिख सकते हैं। मैंने लिखा है चीन तथा पाकिस्तान, दोनों दुश्मन देशों के नाम लिख दिए मैंने। अगला जो प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5। इसको आप गणित या हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला छठा प्रश्न है दोस्तों, इसमें राजनीतिक दलों को किसके द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, तो इसका ये कार्य कौन करता है दोस्तों? चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। अगला जो प्रश्न है पांचवा प्रश्न वो है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में दोस्तों एक तरफ अपने को जो दिया है 1 2 3 4 5 6 और उसके सामने कौन सा आएगा वो मैं बताऊंगा। दक्षेश के सामने आएगा दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या आएगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगला जो है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हो जाएगा सबके लिए स्वास्थ्य। इसका हो जाएगा सबके लिए स्वास्थ्य। अगला जो है दोस्तों वो है नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार है जॉर्ज बुश। कौन है दोस्तों? जॉर्ज बुश। अगला जो है वो है लोह पुरुष। लोह पुरुष कौन है दोस्तों? अपन सब जानते हैं सरदार पटेल। कौन है? सरदार पटेल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है सर्वोच्च न्यायालय? नई दिल्ली में। अगला जो है दोस्तों प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का चयन कौन करता है? जनता करती है, अपन करते हैं। प्रजातंत्र में जो जन प्रतिनिधि होते हैं जैसे कि एमएलए हो गया एमपी हो गया, इनका चयन कौन करता है? अपन करते हैं, जनता करती है। तो दोस्तों ये आपके 30 ऑब्जेक्टिव जो कल आपको पेपर में मिलेंगे ये सभी मैंने सोल्व करवा दिए हैं। ये सभी आप रट के चले जाना, पेपर में यही मिलेंगे आपको, मेरा वादा है दोस्तों। साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।